ये बात साल 1938 की है। भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार मुंबई के मरीन ड्राइव पर बैठकर राम नाम का जाप किया करते थे। कुछ दिनों से वहां पर एक आदमी आकर उनके बगल में खड़ा हो जाता था। एक दिन जब भाईजी ने उस व्यक्ति को देखा तो मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और उससे उसका परिचय पूछा। उस व्यक्ति ने भाईजी से कहा कि आप डरो नहीं तो आपको अपने बारे में एक जानकारी दूं। भाईजी ने कहा कि इसमें डरने वाली क्या बात है। उस व्यक्ति ने हंसकर कहा कि वो एक आत्मा है। ये सुनकर भाईजी कुछ पल के लिए सहम गए और फिर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इस पर उसने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से भटक रहा हूँ, किसी ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन आपके बात करने के कारण मेरे अंदर बोलने की शक्ति आ गई है, इसलिए आप ही वो शख्स है जो मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। इस पर भाईजी ने उस आत्मा को विस्तार से अपने बारे में बताने के लिए कहा। उस आत्मा ने बताया कि एक पारसी परिवार में वो जन्मा था। लगभग एक महीने पहले उसकी मौत हो गई थी। पारसी धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन अब तक वो प्रेत योनि में भटक रहा है। ये बात सुनकर भाईजी ने उसका पिंडदान करवाया और उसे मुक्ति दिलवाई। ये कहानी दैनिक भास्कर को खुद हनुमान प्रसाद पोदार के दोस्त हरि कृष्ण दुजारी ने बताई थी। कौन थे हनुमान प्रसाद पोदार? दोस्तों, आपने गीता प्रेस गोरखपुर का नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो अपने पूजा घर में जाइए, वहां आपको रामायण, गीता ग्रंथ या किसी चालीसा के ऊपर गीता प्रेस गोरखपुर का नाम लिखा जरूर दिख जाएगा। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर है जिसकी दुकानें आपको रेलवे स्टेशन पर आसानी से मिल जाएगी। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस होने का दर्जा हासिल है। ये वही गीता प्रेस गोरखपुर है जिसे हनुमान प्रसाद पोदार ने बनाया था। जय दयाल जी गोयनका, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार और भी उनके साथ एक दो लोग थे जैसे घनश्याम दास जी जालान आदि। इन लोगों ने आपस में विचार किया कि भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए और लोगों को इसकी जानकारी कराने के लिए आवश्यकता है कि हम लोग कोई ऐसा प्रकाशन करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशिका सारडा। आज हम बात करेंगे भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की। उन्हें भाईजी कहने के पीछे की वजह ये है कि उनका जन्म एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था, जहां पर बड़े भाई को भाईजी कहकर बुलाया जाता है। 17 सितंबर 1892 राजस्थान के चूरू जिले का रतनगढ़ शहर, जो उस वक्त एक छोटा सा गांव था, वहां हनुमान प्रसाद पोदार का जन्म होता है। उनके पिता लाला भीमराज अग्रवाल और माँ रेखी बाई हनुमान जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने बेटे का नाम भी हनुमान रख दिया। उनके पिता अपने कारोबार के चलते कलकत्ता में रहते थे और वे अपने दादा के साथ असम में। माँ के देहांत के बाद उनकी दादी ने उन्हें पाला और उन्हें भगवान की भक्ति करना सिखाया। कुछ सालों बाद पिता का कारोबार संभालने के लिए वो भी कोलकाता आ गए। ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, पहले मुगल और फिर अंग्रेज। गुलामी के 500 सालों ने भारत के लोगों को ये भुला ही दिया था कि वो भारतीय हैं। हम अंग्रेजों के तौर तरीके सीख रहे थे और सनातन धर्म को भूलते जा रहे थे। ईसाई मिशनरियां जोरों शोरों से लोगों का धर्म बदलवा रही थी। ये सब देखकर हनुमान प्रसाद पोदार को काफी दुख होता था, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों से मिलना शुरू कर दिया। इस कहानी का दूसरा हिस्सा है जीडी गोयनका। जीडी गोयनका कलकत्ता के सेठ थे और श्रीमद् भागवत गीता के बहुत करीब थे। वो गीता का पाठ करवाते थे, सत्संग लगवाते थे, लेकिन आम लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए गीता पढ़ना साधारण लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था। घर घर में गीता ज्ञान पहुंचाने के लिए उन्होंने सरल हिंदी में इसका अनुवाद करवाया। उन्होंने गीता की 5000 कॉपी छपवाई और उन्हें लोगों में बांट दिया। लोगों में गीता की डिमांड इतनी बढ़ गई कि उन्हें 6000 कॉपी और छपवानी पड़ी। वो चाहते थे कि गीता और पुराण दुनिया भर के लोगों तक पहुंचे, लेकिन सवाल था आखिर कैसे। अब यहीं पर किस्मत जीडी गोयनका की मुलाकात करवाती है हनुमान प्रसाद पोदार से। हुआ यूं कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आने से हनुमान प्रसाद पोदार को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और झूठा केस दर्ज करवाने की कोशिश की। कुछ दिनों तक उन्हें जेल में भी बंद रखा। जेल से तो वो छूट गए, लेकिन साथी व्यापारियों ने अंग्रेजों के डर से उनका बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद वो मुंबई आ गए। मुंबई में मारवाड़ी सभा का 8वां अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में जीडी गोयनका, हनुमान प्रसाद पोदार और सेठ घनश्याम दास बिड़ला तीनों पहुंचते हैं। जीडी गोयनका के विचारों को सुनकर सेठ घनश्याम दास बिड़ला ने उनके काफी तारीफ की। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें एक किताब का रूप दिया जाए।
घनश्याम दास बिरला की ये बात पोदार भाई जी जीडी गोयनका के पास लेकर जाते हैं और ये तय किया जाता है कि एक किताब का प्रकाशन किया जाएगा। किताब का नाम रखा जाएगा कल्याण। लेकिन अंग्रेजों की वजह से मुंबई और कोलकाता दोनों में ही ये संभव नहीं था। तब जीडी गोयनका के एक दोस्त घनश्याम दास चालान ने उनसे कहा कि आप गोरखपुर आ जाइए और मेरे यहाँ से प्रिंटिंग शुरू कीजिए। एक भवन किराए पर लिया गया जिसका किराया था 10 रुपए प्रतिमा। एक किताब छापने की मशीन लगाई गई और पब्लिकेशन को नाम दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर। इसके चीफ एडिटर बने हनुमान प्रसाद पोदार और कल्याण पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। इस किताब में हिंदू धर्म पर उठने वाले सभी सवालों के जवाब दिए गए थे और साथ ही कुछ लेख भी लिखे गए थे। ये पत्रिका लोगों में इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। कहते हैं कि इस किताब की एक कॉपी लेकर भाई जी गांधी जी के पास भी गए थे तो गांधी जी ने किताब की तारीफ की और भाई जी से कहा कि आप इसमें कभी भी कोई विज्ञापन या किताब का रिव्यू मत छापना। पोदार ने ऐसा ही किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फोटो भी कभी इसमें नहीं छापने दी क्योंकि उन्हें नाम से नहीं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब था। कल्याण के साथ ही गीता प्रेस में रामचरितमानस, वेदों, उपनिषदों, चालीसा और आरती की किताबें भी पब्लिश करनी शुरू की गई। इन किताबों को सिर्फ 1-2 रुपए में ही बेचा जाने लगा ताकि गरीब से गरीब लोग इसे खरीद सकें। इसका फॉन्ट बड़ा होता था ताकि बुजुर्ग भी इसे पढ़ सकें। मात्रा की गलती तो बिल्कुल नहीं होती थी। कम पैसे में अच्छी क्वालिटी को गीता प्रेस ने मेंटेन किया। किताबों के भावों को अच्छी तरह से समझा जा सके इसके लिए कई सारे चित्रकारों को खास तौर पर बुलवाया गया और भगवान के चित्र बनवाए गए। पोदार भाई जी का मानना था कि चित्रों के बिना किताबों का ज्ञान अधूरा है। ये सुंदर चित्र आज भी गीता प्रेस की किताबों में मिलते हैं। कहते हैं कि गांव-गांव तक गीता का सार पहुंचाने के लिए उन्होंने कथावाचकों की एक फौज तैयार की। इन्हीं कथावाचकों में से एक थे कृपा शंकर रामायणी। ये जहां भी जाते इन्हें सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी लेकिन ये कथा बांचने का एक भी पैसा नहीं लेते थे। दोस्तों ऐसे ही लोगों ने मिलकर गीता प्रेस को दुनिया की सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस बनाया और सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को खत्म होने से बचा लिया। लोग बताते हैं कि खुद पोदार भाई जी रात रात भर बैठकर संस्कृत के ग्रंथों को हिंदी में उतारा करते थे। जहाँ उन्हें कुछ समझ नहीं आता वहाँ पर खुद भगवान, ऋषि मुनि आकर उनके संशय दूर किया करते थे। गीता प्रेस की किताबों ने सनातन धर्म को फिर से जिंदा किया। लोग हनुमान प्रसाद पोदार को भगवान का दर्जा देने लगे थे। अंग्रेजों ने उन्हें अपनी तरफ करने के लिए उन्हें कई लालच भी दिए जैसे कि नाइटहुड और राय बहादुर की उपाधि उन्हें देने की कोशिश की गई लेकिन इन सब का लालच पोदार भाई जी को नहीं था। वो सब कुछ अस्वीकार करके सिर्फ अपने काम में लगे रहे। उनकी और उनके साथियों की मेहनत का फल है कि आज 90 साल में गीता प्रेस 45 करोड़ किताबें प्रिंट कर चुका है। हर महीने 2 लाख से भी ज़्यादा किताबें बेच लेता है जिसका दाम दूसरे प्रिंटिंग प्रेस की किताबों के मुकाबले 90% तक कम होता है। गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, यहाँ तक कि नेपाली भाषा में भी इनकी किताबें मिलती हैं। आज गीता प्रेस की किताबों को छापने के लिए अब क्रेडिट मशीनों का इस्तेमाल होता है। एक ही दिन में लाखों किताबें प्रिंट होती है। मशीनों की कोई कमी नहीं है गीता प्रेस के पास लेकिन किताबों की बाइंडिंग आज भी हाथों से ही की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइंडिंग मशीन में चर्बी का इस्तेमाल होता है जो गीता प्रेस की सात्विकता के सिद्धांतों के खिलाफ है। सनातन धर्म की रक्षा करने का इरादा आज भी जिंदा है और मजबूत है। यही तो कारण है कि गीता प्रेस ने प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों और धर्म परिवर्तन करवाने वाले मिशनरियों के नाक में तब भी दम करके रखा था और अब भी दम करके रखा है। साल 1971 में हनुमान प्रसाद पोदार के देहांत के बाद उनके परिवार ने गीता प्रेस से कोई पैसा तक नहीं लिया। यहाँ तक कि भाई जी ने आजादी के बाद भारत रत्न लेने से भी मना कर दिया था। हालांकि उनके जाने के बाद उनकी तस्वीर पर डाक टिकट जरूर जारी की गई। वैसे तो राजस्थान की मिट्टी में जन्मे पोदार भाई जी पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट रिसर्च करके कई किताबें लिख चुके हैं लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हम राजस्थान के लोगों को ही उनके बारे में कुछ खास पता नहीं है। उनके जीवन से जुड़े अनेक ऐसे रोचक किस्से हैं जो आप जानना जरूर चाहेंगे। आपकी स्पेशल डिमांड पर हम वो वीडियोज भी लेकर आएंगे और उनके बारे में आपको दिलचस्प कहानियां भी बताएंगे लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनकी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।